हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आज हम बिना तगार और बिना चाशनी के बनाएंगे। हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। इसमें हम आधा कप के लगभग में घी डाल देंगे। 100 ग्राम के लगभग में घी हो गए और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसे बेसन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 कप बेसन में 12 से 15 लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आपको जितने लड्डू चाहिए उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेसन डालें और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे घी के साथ। और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। और अब देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, इसी तरह से चलाते हुए। इसको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसको और फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसके बाद इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और घी भी रिलीज हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आपको बिल्कुल लगातार चलाते रहना है। यदि आपने छोड़ दिया तो बेसन एक साइड से कच्चा रह जाएगा, दूसरे साइड से जल जाएगा। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे बेसन को। और मैंने इसको करीब 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया और आप देख सकते हैं बेसन की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, घी भी रिलीज हो गया है। यदि आपको बेसन थोड़ा बहुत भी ड्राई लगे तो 1-2 चम्मच घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बेसन अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसके बाद पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। तो बेसन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ इलायची का पाउडर 2-3 चुटकी के लगभग में। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप के लगभग में पिसी हुई चीनी। यदि आपके पास साबुत चीनी है तो उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लें, इसके बाद इस्तेमाल करें। और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी को। और चीनी डालने के बाद फ्लेम को आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दें, इसके बाद आप फ्लेम को ऑन करें। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और चीनी अच्छे से कुक ना हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो गया चीनी बेसन के साथ। और थोड़ी देर में यह थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि हमने लिक्विड चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से इसको लगातार चलाते रहें। तो 2 मिनट चीनी डालने के बाद मैंने इसे और पकाया और आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से कुक हो गई है, हल्का सा बेसन लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक और पकाना है ताकि मिक्सर हल्का सा ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं चीनी का पानी सूख गया है, मिक्सर हमारा हल्का सा ड्राई हो गया है। लड्डू बनने के बिल्कुल परफेक्ट मिक्सर बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि इसे अपने हाथों से छूकर हम लड्डू बना सकते हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ पिस्ता और बादाम लिया है। कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको हल्का सा घी में फ्राई भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। अब हम मिक्स कर देंगे इसको भी और इसे हम मिक्सर को हल्का सा ठंडा होने दे देंगे। इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मिक्सर हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर उठाते जाएंगे और अपने हाथों से इस तरह से दबा कर लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हम सेम तरीके से बनाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मेन चीज़ होता है बेसन को अच्छे से फ्राई करना। आप जितने अच्छे से बेसन को फ्राई करोगे आपके लड्डू उतने ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं बेसन का कलर कितना बढ़िया आया है। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से फ्राई किया है। तो आप भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बेसन के लड्डू बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको फ्रिज में रखकर 1 महीने तक भी खाएंगे तभी ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।